अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर फारूक राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर परदेसी। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है उन दोस्तों के लिए जो यू सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो पूछ रहे थे कि उमर भाई कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हमें पेपर पैटर्न के मुताबिक पता चल जाए। जिन बच्चों ने हंगरी में स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है तो जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसके मुताबिक आप बहुत से दोस्त परेशान हैं कि पेपर पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन क्या होते हैं वहाँ पर, और पेपर जो किस पैटर्न पर होंगे, जो सेक्शन क्या होंगे, जो क्वेश्चन है वो कैसे होंगे, तो आप लोग कैसे तैयारी कर सकें, किन चीज़ों के साथ तैयारी करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर की बात करते हैं कि यू सेट अंडर ग्रेजुएशन टेस्ट है ये किस पैटर्न पर आएगा। तो आप लोगों के पास सबसे पहले जो कैटेगरीज होंगी उनके ऊपर बात करते हैं। आपके पास टोटल 6 कैटेगरीज हैं। तो यू सेट जो प्री मेडिकल वालों के लिए है, यू सेट ई प्री इंजीनियरिंग के लिए है, और यू सेट ए जो कि आर्ट्स वालों के लिए है, यू सेट सी एस कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, और यू सेट जी एस जो कि जनरल साइंस वालों के लिए है, और सबसे लास्ट पर है यू सेट कॉम जो कि एजुकेशन एंड कॉमर्स वालों के लिए है। तो आप सब ने इन 6 कैटेगरीज में आप में एक कैटेगरी चूज़ करनी है, और इन सब का अलग अलग पेपर पैटर्न क्या होने वाला है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर मैं जनरली सब के बात करूँ तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 हिस्सों में होगा, और आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो एमसीक्यूज टेस्ट पर है। आपके पास 75 एमसीक्यूज होंगे और 75 मार्क्स का होगा, और इसके अलावा आपका वो सॉल्व करने के लिए 100 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी 1 घंटा 40 मिनट, जो कि बहुत काफ़ी है पेपर करने के लिए। और जो सेकंड पार्ट होगा वो थ्रेटिकल होगा, उसमें 25 मार्क्स होंगे, 10 मार्क का अलग ऐसे होगा और 15 मार्क का अलग ऐसे होगा, 2 ऐसे होंगे और 40 मिनट आपको दिए जाएंगे। आपने इन 40 मिनट में ये एग्ज़ाम करना है। लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो अब आप सब लोगों का पेपर तकरीबन सेम ही आएगा सिवाए स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स के। तो अगर हम यू सेट प्री मेडिकल की बात करें तो यू सेट एम की, तो इनका आएगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए जो है थोड़ा सा एग्ज़ाम उनका प्री इंजीनियरिंग का भी सेम होगा, और मेन सब्जेक्ट्स के जो है वो उनका केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होगा, और आर्ट्स वालों का इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी और जनरल नॉलेज होगा। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, जनरल साइंस वालों के लिए मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक, ये आप सब के जो है ना वो होंगे, और कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटिंग, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। और जितने भी यू सेट के जो स्टडी है यू सेट की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, और आपने चीज़ें जो है काफ़ी कंपाइल हैं। थैंक यू सो मच, आपके साथ मैंने अपना एक्सपीरियंस तमाम नॉलेज शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद आपकी कोई क्यूरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।